किलोमीटर रोड का सर्वे हुआ था। विभाग के सारे पंचायत के सारे पदाधिकारी थे और सर्वे में तय हुआ कि हमारे माननीय मंत्री पथ परिवहन आदरणीय नितिन गडकरी जी से मैं मेल भी किया, फिर एक व्यक्तिगत रूप से उनसे बातचीत की है टेलीफोन के माध्यम से। तो उन्होंने कहा कि हम लोग घना आबादी है और ये फोर लेन का क्वार या सिक्स लेन यहाँ पर पास है, तो निश्चित रूप से जो ट्रैफिक है ट्रैफिक को हम कैसे वहाँ से निजात दिलाएंगे, क्योंकि सर्विस लेन जो है वो काफी 2 मीटर 3 मीटर में आ गया जबकि कम से कम 10 मीटर होना चाहिए मैक्सिमम। तो क्या ना मानवों का आबादी को देखते हुए अब गमन ठीक रहे, उन्हीं के बातचीत करने के बाद फिर उन्होंने इनको भेजे क्योंकि एक्सपर्ट बॉडी है आपका एनएचआई के, और इनको कहा गया कि सर्वे करके पूरा सर्वे करके जो वास्तु स्थिति है जल्दी इसको रिपोर्ट सौंपे ताकि उस पर पुनः विचार किया जाए और जो भी त्रुटि है उसको खत्म करके अपना लगता है महीना डेढ़ महीना दो महीने के भीतर इसका पूरा हो जाएगा तो फिर इसको जीव गति से इसको वो शुरू करेंगे। अब दूसरी बार आप देखे होंगे डिमना मोड़ जो है वहाँ जो नाला है जो काफी घर अगर अभी की स्थिति में जो मधुबन बना है उस स्थिति में अगर उसका नाला बना दिया जाए तो बहुत घर का अंदर जो पानी चला जाए, इसलिए उसको जमीन लेंथ को ठीक करने का जरूरत है। और जो मुख्य नाला है जो पूरा पूरी नदी में निकल जाता है उसमें इसको कनेक्ट करना, तो ये लगभग तय हो गया, ये इसको जो हमारे जनता के अनुरूप जो मांग था उसको पूरा कर लिया जाएगा। साथ साथ करीब 12 बस्ती के लोग मेरे पास आए और उन लोगों ने आगरा के जो बारी जुड़ी काली मंदिर है क्योंकि लेफ्ट साइड में बहुत ज्यादा है आस्था के प्रतीक है, तो उसमें हम लोग बात करके उसको भी छोड़ने का पूरा पूरी बीचों बीच में और एनएचआई उसको पूरा सेफ्टी के लिए चारों तरफ से घेर देंगे। जब दर्शनार्थी आएगा जो इस पर जगह हुआ वहाँ हम लोग खड़ा होकर माता का दर्शन भी कर सकेंगे और एक बहुत पुराना मान था लोगों का ये भी पूरा हुआ। और साथ साथ ये जो क्योंकि अभी जो है फोर लेन का वो एक बार था सिक्स लेन में अपने